और इधर पटना में आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। चार राज्यों के सीएम और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती भी पटना में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पटना आने के बाद सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने लालू यादव के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। विपक्षी बैठक पर उन्होंने ये कहा कि 1-to-1 की रणनीति पर बात करने के लिए हम लोग सब यहाँ पहुंचे हैं, अभी कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, बैठक के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। विपक्षी एकजुटता की बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी और डी राजा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक शुरू होने जा रही है। पटना में गैर भाजपा 17 राजनीतिक दलों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर साझा विपक्षी रणनीति बनाने पर चर्चा होने जा रही है। इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है, उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं।